वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ फर्स्ट ईयर कॉमर्स। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स का कोर्स आउटलाइन और आपसे शेयर करेंगे कि आपके फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ में ड्यू टू कोविड सही है अगर रिड्यूस होने के बाद भी कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस इन टर्म ऑफ फास्ट पेपर स्क्वायर्स एग्जामिनेशन में क्या है। तो कोर्स आउटलाइन की तरफ हम आते हैं। तो कोर्स आउटलाइन आपके पास इस कोर्स चैप्टर की कौन कौन सी है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची ने कोर्स आउटलाइन में आपके पास एक चैप्टर बाइनरी का है, दूसरा चैप्टर इक्वेशन का, तीसरा मैट्रिक्स का, चौथा ग्राफ जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा पांचवा रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज का, और लास्ट फाइनेंशियल में जिसमें इंटरेस्ट एंड एनुइटीज़ को कवर करना होता है। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद अगर साथ ही साथ मैं आपसे पास्ट पेपर की बात करूँ तो हर चैप्टर ऐसा है कि जिससे एक शॉर्ट क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। मैं यहाँ पर वन क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो वन क्वेश्चन से मेरी मुराद शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन से सम टाइम दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं लेकिन मैं कहूँगा कि एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है, मैट्रिक्स से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है, ग्राफ से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है, रेशियो से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है और इससे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के चैप्टर्स कौन कौन से हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर ये भी हैं, ये भी हैं। ठीक है, सम टाइम मैट्रिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और ग्राफ से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो ये एक बेसिक हायरार्की है जो पास, अगर हम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ के कोर्स की बात करें तो पेपर पैटर्न अगर बात करते हैं तो पेपर पैटर्न क्या है भाई, एमसीक्यूज आपके जो आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज वो 10 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 25 मार्क्स के होंगे, लेकिन इसके सिचुएशन क्या है, एनी 5 out of 8, सही है, समटाइम्स 7 भी आते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स ईच, 5 multiply by 5। और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 15 मार्क्स के हैं, एनी 2 out of 3, ये सिचुएशन आ रही है, यानी 7.5 मार्क्स का एक सवाल 2। तो ये आपका पेपर पैटर्न पॉइंट ऑफ से ये सिचुएशन है। तो अगर हम देखते हैं तो 7 या 8 सवाल आते हैं, हर चैप्टर से एक सवाल आता है, कभी कभार किसी चैप्टर से 2 आ गए, 2 चैप्टर से आने वाले सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से रेशियो प्रोपोर्शन भी हो सकता है, ठीक है, ग्राफ इक्वेशन हो सकता है और फाइनेंशियल मैथ्स हो सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन के चैप्टर्स की बात करते हैं तो इक्वेशन, मैट्रिक्स, रेशियो प्रोपोर्शन और फाइनेंशियल मैथ, लेकिन ऑफ कोर्स ये अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। लेकिन मैथ्स के कोर्स की एक खास बात, जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, जो टॉपिक सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है वही लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में एक चीज़ 5 मार्क्स के लिए पूछी है, लॉन्ग क्वेश्चन में वही चीज़ 7.5 मार्क्स के लिए पूछी है, लेकिन ईजी पेपर ईजी एग्जाम में 7.5 मार्क्स वाला जो पूछा गया है वही सवाल सही है, कुछ ईयर्स ऐसे हैं कि 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। अगली वीडियोस के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप तमाम चैप्टर्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बाइनरी से रिलेटेड कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।